कैमरा चालू कर दे भाई। हो गया दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे फ़ोन के बारे में जो है सबसे सस्ता 4GB रैम वाला। लेकिन उससे पहले बजाएंगे एक छोटा सा गाना। बजाते बजाते तो भैया बात ये है, 4GB रैम का सबसे सस्ता फ़ोन मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मुझे आप बताइए अपना बजट, आपका बजट कितना है। 10,000 है कोई बात नहीं, 9,000 है तो भी कोई बात नहीं, 8,000 है तो भी कोई बात नहीं, अगर 7,000 है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उससे भी सस्ता मैं आपके लिए एक फ़ोन लेकर आया हूँ। 4GB रैम है उसकी, 16GB इंटरनल मेमोरी है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 13 मेगापिक्सल है उसका रियर कैमरा, जो काफ़ी अच्छा है। बात करें फ्रंट कैमरे की तो भैया फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, जो बहुत ही घटिया है। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा ब्यूटी प्लस, तभी आप अपने चेहरे को, अपने थोपड़े को चमका पाएंगे, अन्यथा आएंगे आप बहुत ही बुरे, मेरी तरह आपकी फ़ोटो आएंगी बहुत ही घटिया। उसके बाद बात करते हैं उसकी बैटरी लाइफ की, जो 3000 mAh है काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप तमीज़ में फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आप दिन भर उस फ़ोन को चला सकते हैं। बात कर लें उसकी कैमरे की, तो कैमरा मैंने बता दिया है, जो रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल है, काफ़ी ठीक ठाक है। वीडियो क्वालिटी फुल HD है, 401 PPI उसकी पिक्सल डेंसिटी, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें उसके प्रोसेसर की तो वो भी ठीक ठाक है, 4GB रैम के साथ आप उसमें गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपका उसमें बढ़िया रहने वाला है, कोई उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बात करें स्क्रीन साइज़ की तो 5.5 इंच की उसकी स्क्रीन है। फ़ोन का नाम नहीं बताया मैंने अभी तक, हैं माइक्रोमैक्स कैनवास 6 प्रो। ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेजोन के थ्रू ख़रीद सकते हो। सबसे सस्ता एंड्रॉइड फ़ोन जो रखता है 4GB रैम, माइक्रोमैक्स का ब्रांड भी है, वो नहीं है वो छोटे मोटे वो टुच्चे मुच्चे वाले, है ना, जो रोज़ रोज़ नई नई कंपनियां बना बना के लाती हैं, वो वाला नहीं है, ये ठीक ठाक में है। तो भैया 6,500 रुपये खर्च करना और 4GB रैम वाला 4G फ़ोन, दोनों है, 4GB रैम अलग है, 4G सिम अलग है, दोनों चीज़ें हैं उसमें। तो भैया कैमरे की भी मैंने बता दी है, थोपड़ा चमकाने के लिए यूज़ करना होगा आपको ब्यूटी प्लस, क्योंकि फ्रंट कैमरा उसका बेकार है, सेल्फी मत लेना वरना मेरी ही तरह आपकी शक्ल आएगी ख़राब, जिसका जिम्मेदार मैं कतई नहीं होऊंगा। अगर आपकी कंप्लेंट हुई तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनूंगा। YouTube पे कोई कंप्लेंट हो मुझसे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नंबर वन। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तीसरी चीज़, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा जब सब्सक्राइब करोगे, ताकि नोटिफिकेशन पहुँचेंगे आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस के, क्योंकि फ़न का तड़का मैंने लगाया है टेक्नोलॉजी में जी ना, गाएंगे बजाएंगे शोर भी मचाएंगे, अनबॉक्सिंग भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, गिव अवे भी करेंगे आने वाली वीडियोस में, पेटीएम का गिव अवे भी करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हम परचेज करने वाले हैं उनका भी गिव अवे करेंगे। सूटिया ना समझ रहे हो ये मुझे, ऐसा मत समझना। 5 से 6 चैनल हमारे चल रहे हैं, जिनमें से 2 सक्सेसफुल है पूरी तरह से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल वो चैनल हो चुके हैं। बात करते हैं एक ऐसे चैनल की जो भैया 150 वीडियो के आसपास मैंने वहाँ डाली थी, लेकिन भैया मोनेटाइज भी हो गया था लेकिन चला नहीं, डब्बा गोल हो गया चैनल का। क्यों डब्बा गोल हुआ, कैसे डब्बा गोल हुआ, बहुत तकड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। तो भैया इस एक्सपीरियंस को भी मैं साझा करूँगा आपके साथ इस चैनल पर, इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, बनाते हैं एक परिवार, एक फैमिली क्रिएट करते हैं नई, जिसमें मैं आपको बताऊंगा YouTube ट्रिक्स, टेक्नोलॉजी, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, गिव अवे, सब कुछ यहाँ पर होगा, सब तरह की टेक्निकल बातें यहाँ पर होंगी, मज़े लेंगे, बातें करेंगे, गाने गाएंगे, बजा गाना। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो। पौवा पी रखा है क्या?